जय माता दी। फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे हाई प्रोटीन से लोडेड काला चना घुगनी, जो कि बहुत ही जिम फूडी, एक तरह से मान लीजिए जिम फूडी कहलाता है। ये वहाँ पर भी ये रिकमेंड करा जाता है, जो लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये। इसके लिए मैंने चने को रात भर भिगो दिया था, जिससे बहुत अधिक सॉफ्ट हो जाता है। इसको हम स्प्राउट्स के रूप में खाना हो तो 24 से 48 घंटे के लिए हमें स्प्राउट्स के लिए रखना होता है। ये सब तरह से खाया जा सकता है। आप इसे भिगो कर इसी तरह भी खा सकते हैं, स्प्राउट्स में भी खा सकते हैं, और घुगनी बनाकर भी माता का भोग लगा सकते हैं, और स्ट्रीट फूड के रूप में खाली या पूरी सबके साथ खा सकते हैं। घुगनी बनाने के लिए हम इसे बॉईल करेंगे, उसमें पानी मिला दिया है कुकर में, और एक चम्मच नमक डाल दिया, जिससे बहुत अधिक सॉफ्ट बनेंगे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और तेज आंच पर एक सीटी लगवाएंगे, और मीडियम आंच पर 6 से 7 सीटी लगवाने से बहुत अधिक सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, ये हमारा 6 से 7 सीटी आ चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, और जितना ये सॉफ्ट होगा उतनी अच्छी हमारी घुगनी बन के तैयार होगी। अब इसका पानी हम एज इट इज रहने देंगे। इसके लिए 1 कप टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है, और सभी साबुत मसाले लेंगे, तेजपत्ता है, और इसके अलावा है हमारी जीरा है, और बड़ी इलायची है, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये सभी साबुत मसाले से हम इसका तड़का लगाएंगे। और हींग जरूरी है, क्योंकि विदाउट अनियन गार्लिक के बन रहा है। और हरी मिर्च है, साबत सूखी लाल मिर्च लिए इसके तड़के के लिए, ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, नहीं तो लें। अदरक का पेस्ट बना लिए, हरी मिर्च आपके टेस्ट के अनुसार लें, और सभी मसाले लेंगे, नमक है, हल्दी है, साबत पिसा धनिया पाउडर है, अमचूर पाउडर है, गरम मसाला है, ये सभी मसाले हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। अब इसके लिए हम सरसों का तेल, मैंने 2 चम्मच बड़ी चम्मच गरम करा है, आप चाहें जिस तेल में बना लें, ये मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत अच्छी बनती है। सभी साबुत मसाले इसमें डाल के चटका लेंगे, और 10 सेकंड तक इसे भुनेंगे हम। ये अच्छी तरह से अब देखिए चटक चुके हैं। अब इसमें लास्ट में हम मिला रहे हैं ये हींग, मैंने देसी हींग है, इसलिए पानी में मिलाकर मिलाइए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होगा। और अब मिला देंगे इसमें हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च को, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अदरक मिला देंगे, और इसी समय यदि आपको हरी मिर्च काट कर मिलानी हो तो वही मिला सकते हैं, मैंने साबुत मिलाई है कि जो लोग मिर्च नहीं खाना चाहते हैं वो मिर्च ना खाएं। इसको चटका लिया है, अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी मिला देंगे, और इसे अच्छी तरह से सॉटे करेंगे ताकि सब तरफ मिल जाए, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई से तेल ना छोड़ने लगे, तो ये हमारी इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अभी इसी समय हम इसमें सभी मसाले मिलाएंगे, स्वादानुसार नमक मिलाया है, नमक पहले भी मिलाया था इसलिए अभी कमी मिलाया है, हल्दी पाउडर है, और कश्मीरी लाल मिर्च मिलाई है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, धनिया पाउडर है, अमचूर पाउडर है, इसके साथ इमली की चटनी भी अच्छी लगती है, पर अंदर की तरफ इसमें डाल दिया जाते हैं अमचूर पाउडर, तो इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। अब इसको तब तक हमें भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दिए, ये देखिए तेल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पर हम हमारा जो हमारा पानी हमने रखा था, यदि कम पानी की आपको ज़रूरत हो तो कम, मैं थिक सेमी थिक बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी उबालते समय रखा था, और इस समय भी वो पानी सहित मिला दिया है, क्योंकि पानी में ही सारे प्रोटीन चले गए हैं जब हमने इसे बॉईल करा था, तो इसलिए जहाँ तक हो सके पानी को इसे फेंकें नहीं। यदि घुगनी बना रहे हैं उस समय आप पानी उतना ही डालें जितना ये अपने में एब्जॉर्ब कर ले। तो ये हमारी देखिए बन गई है, हम तेज आँच पर इसे उबालेंगे, उसका मीडियम आँच पर 5 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। ये देखिए हमारी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, और चारों तरफ से इसने छोड़ भी दिया है, इसी तरह ही चाहिए, वो भी रखने पर भी ये थोड़ी गाढ़ी पड़ेगी। अब इसे आप चाहे माता के भोग के रूप में भोग लगाइए, या चाहें तो इसे आप किसी भी तरह से सर्व करिए। मैं इसे सर्व कर रही हूँ क्ले पॉट में, कुल्लड़ जिसे बोलते हैं या पुरबा भी बोलते हैं,
और चाहे तो किसी भी बाउल में सर्व करिए, इसके साथ चाहे पूरी है, चाहे कचौड़ी है, जिस भी रूप में मैं आगे उस तरह की आपको वो रेसिपी देने वाली हूँ वो आप देखिएगा। ये ऐसे भी खाई जाती है, स्ट्रीट फूड के रूप में भी बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने देख लिया, आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय माता दी। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।